भारतीय टीम के वेस्ट इंडीज दौरे की शुरुआत 3 अगस्त से होने वाली है। और दोस्तों इस दौरे पर भारतीय टीम 3 T20, 3 वनडे और साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों की एक लंबी सीरीज खेलने वाली है। और आज इस वीडियो में हम इस दौरे के लिए दोनों ही टीमों का ओडीआई स्क्वाड का बिल्कुल हॉनेस्ट टीम कंपैरिजन करने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वनडे मुकाबले में हेड टू हेड कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक लगती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस सीरीज में एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत करे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर इस सीरीज के लिए सबसे पहले दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को कंपैरिजन किया जाए, तो वेस्ट इंडीज की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 1 पर क्रिस गेल, नंबर 2 पर इवन लॉयस और नंबर 3 पर शाई होप उतरेंगे। और वहीं अगर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की बात करें, तो भारतीय टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 1 पर रोहित शर्मा, नंबर 2 पर शिखर धवन और नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक टॉप ऑर्डर बैट्समैन मौजूद है, परंतु दोस्तों यहां पर हेड टू हेड देखा जाए तो भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर का बल्लेबाजों का स्तर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों से बहुत ज्यादा ऊपर नजर आता है। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की कंसिस्टेंसी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के मुकाबले बहुत ज्यादा शानदार भी रहती है। तो इसी वजह से टॉप ऑर्डर के मामले में भारतीय टीम को मिलते हैं 100 में से 60 पॉइंट्स और वेस्ट इंडीज की टीम को बचे 100 में से 40 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब अगर मिडल ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए, तो वेस्ट इंडीज के टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 4 पर निकोलस पूरन, नंबर 5 पर शिमरॉन हिटमायर, नंबर 6 पर कार्लोस ब्राथवेट और नंबर 7 पर कप्तान जेसन होल्डर उतरेंगे। और वहीं अगर भारतीय टीम की तरफ देखा जाए, तो भारतीय टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतर सकते हैं नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर केदार जाधव और नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे। तो दोस्तों यहां पर साफ साफ भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर वेस्ट इंडीज के मिडल ऑर्डर से थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज का मिडल ऑर्डर यहां पर बिल्कुल स्टेबल है, परंतु भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इसी वजह से मिडल ऑर्डर के मामले में भारतीय टीम को मिलते हैं 100 में से 40 पॉइंट्स और वेस्ट इंडीज की टीम को बचे 100 में से 60 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब अगर अंत में लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए, तो वेस्ट इंडीज की टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 8 पर रोस्टन चेज, नंबर 9 पर ओशेन थॉमस, नंबर 10 पर किमार रॉच और नंबर 11 पर शेल्डन कॉटरेल उतरेंगे। और वहीं भारतीय टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर खलील अहमद और नंबर 11 पर यूजी चहल उतरेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का रहने वाला है दोनों ही टीम का लोअर ऑर्डर। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही टीमों के पास काफी शानदार गेंदबाज मौजूद है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की फॉर्म जहां एकदम लाजवाब है, वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज भी एक बड़ी जबरदस्त सीरीज से लौट रहे हैं। तो दोस्तों लोअर ऑर्डर के मामले में यहां पर दोनों ही टीमों को मिलते हैं 100 में से 50-50 पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए, तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं वनडे मुकाबलों में वेस्ट इंडीज के ऊपर जरूर भारी पड़ने वाली है। तो इसी वजह से भारतीय टीम का पलड़ा इस सीरीज में भारी रहने वाला है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस सीरीज को जीत सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।